यस स्टार्ट करते हैं एनडीए प्रीवियस ईयर डिफरेंशिएशन फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी हमने बहुत डिटेल में कवर किया. आपने देखा कि क्वेश्चंस को हम कितने स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं. अगेन डिफरेंशिएशन भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं. थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी कवर की, हर क्वेश्चंस पे आप कहीं ना कहीं ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं. बट डिफरेंशिएशन के लिए या इंटीग्रल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले और डोमेन रेंज क्लियर होना चाहिए. तो हम वो क्लियर करते हुए चलेंगे. यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर 2010 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बेसिक थ्योरी या रिलेटेड थ्योरी कवर करूंगा. डिटेल थ्योरी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में कवर है तो वो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे. क्वेश्चंस को बहुत स्पीड में करवाऊंगा सॉल्व. अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं. आप भी ट्राई स्पीड में सॉल्व करवाने का पर्पज ये क्योंकि आपकी भी स्पीड मुझे ऐसे ही बनवानी है. बहुत स्पीड में आप पेपर जब सॉल्व करेंगे जब भी 300 मार्क्स आएंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही है एनडीए पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने का कि आप 300 मार्क्स लेके आएं. सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट की वजह से मैं सब करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट लेके आप भी चलिए और बहुत एनर्जी के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर सॉल्व करिए. एनडीए एग्जाम वैसे भी एप्टीट्यूड और एटीट्यूड पे बेस्ड है. अगर स्ट्रांग एटीट्यूड होगा जब भी आप आगे जाके राउंड वन के बाद राउंड टू ही फेस कर पाएंगे. अब देखिए ये 2010 से स्टार्ट कर रहा हूँ. 2010 पेपर नंबर वन के पहले सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर 2010 पेपर नंबर टू के. इस तरह से हम 11, 12, 13, 14 आगे बढ़ते जाएंगे. अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है. दिस इज, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 2x अपॉन, ये समझाने के लिए लिखा है. आप लोग डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते थे 2 tan इनवर्स x. तो लॉजिकली मुझे डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स 2x, राइट. tan इनवर्स 2x क्या क्या होता है ये सब रिवीजन करना है पहले. आप जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें उसके पहले थ्योरी को बेसिकली रिवाइज करना है, और वो आप वीडियो के थ्रू बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं. तो tan इनवर्स 2x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहां पर ये देखिए ये आ गया. अब इसका डिफरेंशिएशन सिंगल स्टेप 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2x का 2, तो आंसर हुआ 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. नो डाउन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, राइट. अब एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलूं तो आप बोलते 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए. अगर ध्यान दें तो इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव होता है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछा है तो वही होगा जो इसका इंटीग्रल होगा. अब 2 नहीं है तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो आंसर विल बी 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. यानी विदाउट डिफरेंशिएशन आप आंसर दे पाए. यही ट्रिक्स हैं, यही लॉजिक्स हैं जो डिस्कस करना है आपके साथ. आप क्वेश्चन में कैसे 300 नंबर लाएंगे ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक, कब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच स्पीड नहीं आएगी, और वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ चलूंगा, तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी सब आने लगेगी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी क्यूब. इसको डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे, काफी टाइम लग जाएगा. डायरेक्टली फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए और ये सब कंसेप्ट थ्योरी अच्छे से होने के बाद ही आते हैं. अब आपसे पूछा है एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू टी क्यूब, देन डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट टाइम तो आप डायरेक्ट कर लेंगे. अब इसमें मैं बताता हूँ आपसे कहाँ मिस्टेक होने वाली है, आपसे अभी से बताता हूँ. आप इसका फर्स्ट टाइम किया वाई का ऊपर एक्स का नीचे, राइट, 3/2 t. पर जब हम इसका नेक्स्ट टाइम करेंगे तो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, एक आंसर 3/2 दिया भी है. लोग इसका डिफरेंशिएशन 3/2 लिख देते हैं जो नहीं होगा. मिस्टेक कहाँ कहाँ होने वाली वो भी बता रहा हूँ. याद रखिएगा x के फंक्शन को t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो लॉजिकली मुझे ये लिखना था. तो इसका मतलब 3/2 t का 1 हुआ, बट dt/dx मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि dt/dx की वैल्यू यहां से लेके आएंगे.
2t, तो इसका रेसिप्रोकल तो 3 बाय 2 इंटू 1 अपॉन 2t मीन्स 3 बाय 4t इज अ राइट आंसर. 3 बाय 4t इज अ राइट आंसर, सी में दिया हुआ है. इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक थी कि जो लोग कर सकते थे, यहाँ पे भूल जाते हैं लिखना, ये नहीं भूलना है. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2010 के पेपर 1 का डिफरेंशिएशन का, तो वो है 3-4 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं. व्हाट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लॉग बेस एक्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स. अब देखिए यहाँ पर लॉग बेस एक्स एक्स दिया है, तो लॉग बेस एक्स एक्स मतलब 1, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स करना है. लॉजिकली देखें तो वाई इक्वल टू 1 है, टी इक्वल टू लॉग एक्स है, वैसे तो आंसर देखते ही बोल सकते हैं 0, क्योंकि इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं आप, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता, और 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0, तो करेक्ट आंसर 0 होता. तो देखिए ऑल 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें शायद आपका पैन का चलाने का जरूरत भी नहीं था. डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर अभी तक देखो तो डायरेक्ट सारे क्वेश्चन, ऑल 4 क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड थे या लॉजिक पे बेस्ड थे, जिनको आप डायरेक्टली कर सकते थे. पर डायरेक्टली जब जब थ्योरी पे स्ट्रांग कमांड हो, और थ्योरी पे स्ट्रांग कमांड आपको लेके आना जब भी आपका स्कोर 300 आएगा. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चंस. यस, 2000 के पेपर नंबर 2 पर आते हैं 10 के. अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम इसका देखें फर्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स. ऐसे क्वेश्चन मेंटली किए जाते हैं. देखिए जिसके जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है वो न्यूमरेटर में, जिसका जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो डिनोमिनेटर में. लॉजिकली आपसे ये पूछा है, ये केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ. तो नॉर्मली हम इसे y और इसे t ले लेते हैं, और यहीं पर क्वेश्चन को हम फिर d y by dt निकालते हैं, और d y by dt होता है d y by dx upon dt by dx. मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x न्यूमरेटर, इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x डिनोमिनेटर कर दीजिए. तो डायरेक्टली इसका करेंगे तो 2 साइन x cos x, इसका करेंगे तो 2 cos x माइनस साइन x आपस में कैंसिल, तो नेट रिजल्ट विल बी माइनस ऑफ 1. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, इफ x इक्वल टू k इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू k इंटू 1 प्लस cos थीटा, पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन पेपर 1 में भी था, then what is the derivative of y with respect to x at theta equal to pi by 2. Direct करेंगे, time waste ना करें, पहले theta के dy by dx निकालना है, y का function numerator में, x का function denominator में. तो देखिए k into minus sin theta upon k into 1 plus cos theta, theta pi by 2 दिया है, pi by 2 रख दीजिए, तो minus k upon k, this equal to minus of 1. अगर हम next question देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड नंबर का, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 2, इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकाला जाता है. देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स एट वाई इक्वल टू 1. राइट, वाई इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो एक्स की वैल्यू भी 1 आएगी, ये ध्यान रखिएगा. आप डी वाई बाई डी एक्स देखें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और पैरामेट्रिक फॉर्म से भी, इम्प्लिसिट फॉर्म से भी लिख सकते हैं हम. राइट, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरह से आ गया माइनस रूट वाई अपॉन एक्स, माइनस रूट वाई अपॉन एक्स, और एक्स और वाई की जगह 1 पर रख दीजिए, तो आंसर विल बी माइनस ऑफ 1. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, एक्स इक्वल टू कॉस 2t वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, देन वॉट इज डी 2 बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. इसमें फिर मिस्टेक होने वाली है, 2010 पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन था इसी तरह का, देखिए 2 में भी था. यही चीज कैच करना है कि किस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं. अगर हम इसको डायरेक्टली करें तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, पहले y के रिस्पेक्ट में 2 साइन टी कॉस टी अपॉन माइनस ऑफ 2 साइन 2t. अगर लॉजिकली देखें तो ये साइन 2t है, ये भी साइन 2t है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस ऑफ 1/2. राइट, माइनस ऑफ 1/2 आपको मिला, सॉरी माइनस 1 मिला ओनली. अब अगर इसका करूं तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि टी का फंक्शन ही नहीं बचा, तो नेट रिजल्ट विल बी
जीरो, राइट? तो राइट आंसर इसका हुआ जीरो. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2011 का क्वेश्चन है. 2011 में क्या क्वेश्चन था पेपर वन का? एफ एक्स इक्वल टू 2x देन एफ डबल डैश एक्स. अगर हम देखें तो एफ डबल डैश एक्स पूछा है, पर मैंने तो आपको nth डेरिवेटिव तक के कंसेप्ट क्लियर करे हैं. अगर a पावर x हो तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है? a पावर x log a टू दी पावर n. तो यहाँ पर सेकेंड है तो डायरेक्टली लिख सकते थे 2 पावर x log 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि log 2 टू टाइम्स आएगा. तो 2 पावर x log 2 का स्क्वायर इज अ राइट आंसर. तो a इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2011 पेपर टू के क्वेश्चन हैं कुछ. y इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय 4, 1 प्लस एक्स पावर हाफ, 1 माइनस एक्स पावर 1 बाय 4. इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं. कई बार तो कोफिशियंट साथ में दिया था, अभी तो दिया है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 1 माइनस एक्स पावर हाफ, 1 प्लस एक्स पावर हाफ, इससे 1 माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इसका पूछा, तो सिंगल स्टेप आंसर विल बी माइनस 1. ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें कि पेन चलाने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 10x, दिस इज हाफ लॉग 10x, 10 की प्रॉपर्टी यूज करी, लॉग m पावर n इक्वल टू n log m, राइट? एट x इक्वल टू पाई बाई 4 बोला है, डी वाई बाई डी एक्स करिए 1/2 10x इंटू 10x का sec square x, पाई बाई 4 रख दिया तो 2/2 × 1, तो नेट आंसर विल बी वन, राइट? नो डाउन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 2012 पेपर वन. इफ y इक्वल टू cos t एंड x इक्वल टू sin t, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx? सिंगल स्टेप क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं, मेंटली करें. y को ऊपर, x को नीचे, दिस इज cos t, देन -10t इज अ राइट आंसर, राइट? -10t. अब देखो, आपको -10t के टर्म में नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वापस आप लिख सकते थे -x, इसको लिख सकते थे y, तो -x/y. कई बार इस तरह से भी कंफ्यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर? तो इसे y लें, इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा है, इसे t लें. इस तरह के क्वेश्चन को हमने थ्योरी में बहुत ही डिटेल में कवर किया है. dy by dx न्यूमरेटर में इस फंक्शन का होगा, तो 1/2 √x² + 16 इंटू एक्स स्क्वायर का हुआ 2x/2x. 2x से 2x कंप्लीटली कैंसिल, तो 1/2 √x² + 16 एट x इक्वल टू 3 दिया है, तो अगर 3 दिया है तो 3 रख दीजिए, तो 9 + 16 = 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 1/10 इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए क्या दिया है. y इक्वल टू x + 1/(x-1), देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स डिविजन फार्मूला, x-1, x का 1 हो गया, -x + 1/(x-1) का होल स्क्वायर, तो -2/(-2) / x-1 का होल स्क्वायर, राइट? क्लियर है बात? नो डाउन. यस, नेक्स्ट आते हैं. देखिए 2012 पेपर नंबर 2 की बात करें. पेपर नंबर 2 मीन्स, याद रखिएगा, अभी मैथ्स के पेपर नंबर 2 की बात कर रहे हैं. इफ, जनरल एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रहा, एक्स पावर एम वाई पावर एम इक्वल टू 1 सच डैट डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x/y, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एम? आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ था डी वाई बाई डी एक्स अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसका डायरेक्टली करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोमिनेटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिनोमिनेटर पार्शियली. अगर आप ये करेंगे तो सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं. तो इसको मैं करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स न्यूमरेटर, तो -m into y पावर m-1. देखिए m से m कैंसिल, तो आपको मिला -x/(m-1) / y/(m-1). अब आपको बोला देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m? अगर -x/y चाहिए तो m की मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? तो लॉजिकली अगर हम समझें तो 2, अगर मैं m की जगह 2 रख दूं तो x/y मिलेगा, तो m = 2 इज अ राइट आंसर. यही दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्या दिया हुआ है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1 है y = ln
sec x plus tan x, इसका dy by dx हमने directly निकालना सीखा था, this is sec x mentally 1 upon sec x plus tan x into integration of t, then sec x tan x plus sec square x, sec x common लिया तो differentiation cancel, तो statement 1 true है, देखिए जो मैंने बोला है वो अब समझाता हूँ, try करिएगा, मैं चाहता हूँ calculus तो आप 80% mentally करें, जबकि calculus ही सबसे ज़्यादा time रहता लेता है, आप मेरे साथ करोगे calculus में सबसे कम time लगेगा, इसका differentiation किया, तो sec x tan x, tan x का किया, तो sec square x, देखिए sec x common निकल के, completely cancel, right? ये completely cancel, अगर मैं ये लिखता तो आप सोचिए मेरा कितना time extra चला जाता, मुझे आप लोगों के ये छोटे-छोटे time ही save करना, जिससे आपका score 300 आए, अच्छा statement 1 true है, statement 2 देखें, तो ln, वैसे भी अगर आप याद करो, integration of sec x का ये formula ही है, ln sec x plus tan x, ये भी याद रख सकते हो, ऐसे ही integration of cosec x का formula होता है, ln cosec x minus of cot x, तो इसका मतलब इसका differentiation ये होगा, तो second statement ये ही दिया था, cosec x minus cot x, this is dy by dx पूछा है, तो ये हो गया cosec x, यानी statement 1 and 2 both are true, तो हम बोलेंगे statement 1 and 2 both are true, right, next question देखें, तो क्या गिवन है fx equal to 2 power sin x, राइट fx equal to 2 power sin x, देन आपसे पूछा हुआ है f dash x क्या होगा, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया चेन रूल से 2 power sin x log 2 और sin x का कितना cos x, तो 2 power sin x, अब आप इस 2 power sin x log 2 into cos x लिख सकते थे, अब क्लियर है बात।